हाय, कैसे हैं आप सब? चलिए, थोड़े से ब्रेक के बाद मैं फिर से आई हूँ। आप कार को लेके चलते हैं ड्राइव पे, इसका ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपसे, और उसके बाद कुछ खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं। लेट्स गो। तो आज हम ड्राइव कर रहे हैं कंट्री मैन। घूमते फिरते आपको इस कार का मैं रिव्यू भी दूंगी। और सबसे पहले हम ड्राइव से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो इस कार को देखते ही मुझे सबसे ज़्यादा मन किया, एक्सेप्ट इट्स लुक्स, कि हाँ लुक्स बहुत अच्छी हैं, बट ड्राइव के लिए ये गाड़ी फेमस है। तो पहले ड्राइव करके देखते हैं कि कितना मज़ा आता ही नहीं आता यार, मुझे ट्रैफिक में जगह दे दो भाई, थोड़ा चला लें इसे। चलिए, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इसका स्पीड का, कि 100 कितनी देर में जाती है। लेट्स स्टार्ट। यार मुझे बाइक का डर लग रहा था। चली गई जाती है कुल मिला के। हाँ, इसके जो डायल्स वगैरह ना, आपको बहुत नॉस्टैल्जिया सी फीलिंग देते हैं आपको, मतलब। और यही सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है इसका। और ये राउंड राउंड जो ये मिनी का स्टाइल है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे इसकी लाइट्स हैं, चाहे अंदर के डायल्स हैं, एवरीथिंग सब बहुत स्मार्ट लगता है। अगर मैं बात करूँ इसके इंजन की, तो इसमें 2000 सीसी का इंजन यूज़ किया गया। दिस इज़ पेट्रोल वेरिएंट, और पेट्रोल में ही आती है ये, डीजल में नहीं मिलेगी आपको। और ये पावर प्रोड्यूस करता है 189 bhp, और आपको टॉर्क इसमें मिल जाएगा 280 न्यूटन मीटर। और ये आप रीच कर लेंगे टॉर्क 1350 rpm पे, तो बहुत कम rpm पे गाड़ी शूट करेगी, रॉकेट की तरह जाएगी, जैसे मैं चला रही हूँ अभी। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं, तो सस्पेंशन सीरियसली अमेजिंग सस्पेंशन है इसका। आपको कोई झटके पटके कुछ फील नहीं होने वाले। और जैसे आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो हल्का सा सस्पेंशन टाइट हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। स्टेयरिंग बहुत सॉफ्ट है, और हायर स्पीड पर हल्का सा स्टिफ हो जाएगा, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उसका ध्यान रखा गया है। और हैचबैक स्टाइल में ये कार है, तो पावर आपको पूरी देती है। 2000 सीसी की अगर मैं बात करूँ, कि एसयूवी में लगा है तो यार वो इंजन बेकार है, लेकिन अगर इसमें लगा है तो सुपर्ब। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है इसकी, आपको ड्राइव करते हुए कितना मर्जी रन पे आप लोग जाइए, आप थकेंगे नहीं इसमें। और बैठ के एक कंफर्टेबल राइड इन्जॉय करते हैं, बहुत स्मार्ट सा सेक्सी सा एम्बियंस इन्जॉय करते हैं, लवली एक्सपीरियंस। बाकी जो कारें हमारी होती है, उसमें प्रेस वाला पुश स्टार्ट स्टॉप होता है, यहाँ पर ये इस स्टाइल में दिया गया, बहुत अच्छा है। इसको भी नीचे आप करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत बहुत मुझे यूनिक और स्मार्ट लगा है। हैचबैक है ये, हैचबैक और सेडान्स में बॉडी रोल नहीं होता है, तो वो चीज़ इसके अंदर भी लागू होती है। ऐसी कारों के अंदर बॉडी रोल के कोई चांसेस नहीं है। ड्राइव में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है मिनी ने, बिल्कुल सुपर फैबुलस व्हीकल बनाया है। कटिंग रेडियस की तो बात ही मत कीजिए, इतनी छोटी सी प्यारी सी कार है, जरा सी जगह में से घुमा देंगे इसे। कार के NVH लेवल्स की अगर मैं बात करूं, तो देखिए जैसे ही मैं इसको पुश दे रही हूँ, क्या मस्त साउंड प्रोड्यूस कर रही है ये। वैसा नहीं है बहुत, आपको इरिटेटिंग नॉइज़ नहीं लगेगा, बट हाँ आप इंजन नॉइज़ हल्का सा फील करेंगे इसके अंदर, बहुत अच्छा लगेगा, वो इरिटेटिंग नहीं है। स्पोर्टी है? हाँ स्पोर्टी है, नो डाउट, बहुत स्पोर्टी है, मज़ा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को लेजेंडर की जगह इसे लेना चाहिए था, बट मेरे भाई को नहीं अच्छी लगती ना ये। चलो थोड़े टाइम बाद फिर से पैसे इकट्ठे करते हैं, खरीदेंगे। वैसे लड़कियां ज़्यादा चलाती हैं। हाँ आई थिंक सो, लड़कियों की कार है यार ऐसे, ऐसा लड़कियां इतनी भी नाजुक कली नहीं होती हैं, थोड़ी स्ट्रांग होती है, ऐसा कुछ नहीं। मैं सारी SUVs चलाती हूँ। फिर तेरे लिए नहीं है, तेरे लड़कों वाले शौक है ना। लड़कों वाले शौक क्या होते हैं, इसे काटो, ये बड़े यार। इसमें एप्पल कार प्ले नहीं है, एंड्रॉयड ऑटो नहीं है, इतनी महंगी गाड़ी है, चिद्दी सी गाड़ी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें देने में रो पड़े हैं ये कंपनी वाले। यार कहीं ना ब्रांड्स अपने नाम से ही चलते हैं, कि बस भैया मिनी कूपर में घूम रहे हैं, लेकिन दे दो यार बेसिक चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, ये तो बहुत रिक्वायर्ड है आजकल। और इसके अंदर ना एक चीज़ और है, जो ये एम्बियंट लाइटिंग है इसमें, अगर मैं जैसे म्यूज़िक सिस्टम की आवाज़ को तेज़ करती हूँ, तो ये लाइट का वो बढ़ता जाएगा लेवल। भूख लग रही है, अपने साथ लेके जा रही हूँ, कुछ खाएंगे हम लोग। क्या मतलब, मुझे ऐसे ही भूख नहीं लगी, कुछ हल्का फुल्का ही खाएंगे, लाइट सा खा लेंगे।
क्योंकि सुबह मैं खा के आई हूँ, मेरी मम्मी मुझे ऐसे जाने नहीं देती। मैं ऐसे इसलिए हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मुझे बोनेट कितना दिख रहा है। आपको बोनेट इसमें पूरा दिखाई देगा, विजिबिलिटी अच्छी खासी है। थोड़ा सीधे होके बैठिएगा, मैं तो ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठती हूँ। आप अगर आपके बैठेंगे तो आपको पूरा बोनेट एंड तक दिखाई देगा। तो कार में अगर आप हैंडलिंग की बात करते हैं तो आप फुल ऑन गाड़ी आपके कंट्रोल में रहती है। फुल स्पीड में ऐसे ऐसे निकाल के ले जानी है। नहीं चल ठीक है, दौड़ा दौड़ा दौड़ा। नहीं मैं ज़्यादा नहीं दौड़ा सकती, मुझे डर लगता है। मैंने गाड़ी जो खरीदी, आप लोगों ने यार इतने प्यारे प्यारे विशेस दिया है, इतनी बधाइयाँ, इतनी ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता कि फैमिली भी कभी इतनी खुश होती होगी, रिलेटिव्स तो शायद ही कोई खुश हुआ होगा जितने आप लोग मेरी चीज़ों से खुश हुए हैं। मैं बहुत बहुत दिल से आपको शुक्रिया करती हूँ। आई एम टच्ड। मेरा भाई, मेरी फैमिली सब बहुत खुश हैं कि आप इतने प्यारे लोग हैं, इतना दिल से आप लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच एंड वेरी सॉरी, आपने मुझे बोला कि मैं अपने भाई के एक्सप्रेशन आपको दिखाऊँ कि वो कैसा है, उसने क्या किया। यार वो बहुत ना, मतलब क्या बताऊँ, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को, बहुत शाय है वो। नहीं मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना। तो मैं उन्हें उसको उसके नखरों के साथ साइड में छोड़ दिया कि ठीक है तुम नखरे करो, कोई बात नहीं, हम ही चलाएंगे उसकी गाड़ी वैसे भी। कोई उसको बोल के मैं फिर से ले आऊँगी कार और चलाएंगे हम लोग, घूमेंगे उसके अंदर, ट्रिप मारते हैं जल्दी बहुत ज़्यादा अच्छा सा। आप मुझे बताइए कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, आपकी जो भी चॉइस की जगह होती है उसको कंसिडर करती हूँ मैं और घूमेंगे साथ में। अगर मैं कार के एम्बियंस की बात करूँ ना तो बहुत क्लासी है ये। वैसे तो हर जगह इसमें प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया, लेकिन बहुत प्रीमियम क्वालिटी प्लास्टिक है और फिट एंड फिनिश, तो नो डाउट इसमें, मतलब फिट एंड फिनिश के ऊपर डाउट करना तो गलत बात है यार, ये हमें करनी नहीं चाहिए। बहुत अमेजिंग क्लासी और एलिगेंट लुक है इस कार की, एक्सटीरियर से भी और इंटीरियर से भी। आप इस कार को लुक्स में तो चैलेंज नहीं कर सकते। ये मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है जो यहाँ का बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी होता है। मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी और साथ में फ्रेश लाइम सोडा पी लेती हूँ। दिस इज विद एक्स्ट्रा चीज। चलिए मैंने बहुत अच्छा सा खा लिया, पी लिया, आज मेरे को ज़्यादा भूख नहीं थी यार, तब भी मैंने डबल चीज़ पिज़्ज़ा खाया है। तो मेरी सेहत का आइडिया लगा लीजिए आपके कितना खाती हूँ मैं। और अब थोड़ी देर मैं मौसम को एंजॉय करूँगी, आज भी बहुत प्लेजेंट सा मौसम है, चिड़िया बोल रही है बहुत स्वीट सा। थोड़ी देर बैठते हैं और फिर घर चल के रेस्ट करेंगे। आप लोग भी बहुत सारा खुश रहिए, रेस्ट कीजिए, खाइए पीजिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। लव यू ऑल, बाय। City nights.